दोस्तों, यदि आपके घर में थ्री फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोगों ने देखे होंगे कभी कभी जो हमारा एक फेज का पावर सप्लाई होता है उसका वोल्टेज कम हो जाता है, या फिर एक फेज का जो पावर सप्लाई है उसका पावर सप्लाई चला जाता है, बाकी दो फेज का पावर सप्लाई रहता है लेकिन एक फेज का पावर सप्लाई चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस पावर सप्लाई के साथ में जितने भी लोड कनेक्ट हैं वो पूरा का पूरा ऑफ हो जाता है। अब यदि आप ये चाहते हो कि आपका जो घर का लोड है वो तब भी रन करे जब आपका एक फेज का पावर सप्लाई चला जाए या फिर इसका वोल्टेज कम हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस प्रकार का चेंज ओवर स्विच बनाना होगा। ये जो चेंज ओवर स्विच है इसके द्वारा आप चेंज ओवर कर सकते हो पावर सप्लाई का। वाई फेज का पावर सप्लाई कट है तो मैं क्या करूंगा, ये जो सिलेक्टर स्विच है इसका चेंज ओवर कर दूंगा। चेंज ओवर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे पावर सप्लाई आ गया। इसी प्रकार से यदि ये वाला पावर सप्लाई दोबारा आ जाता है, इसके बाद यदि दूसरे फेज का पावर सप्लाई चला जाता है, तो इस कंडीशन में ये जो फर्स्ट वाला चेंज ओवर स्विच है इसका रोटेशन करके यानी कि चेंज ओवर करके पावर सप्लाई को मैं चालू कर सकता हूँ। तो किस प्रकार से हमारे घर के लिए चेंज ओवर स्विच बनाएंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, थ्री फेज के लिए चेंज ओवर स्विच बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा तीन सेलेक्टर स्विच। जो आप सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करोगे उसका करंट रेटिंग का ध्यान रख लीजिएगा। आपके घर में कितना एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करिएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे 32 एम्पीयर वाली सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा आपको तीन इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल के टाइम पे जो मैं इंडिकेशन लैंप इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वोल्टेज टाइप का है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज भी शो करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ पे वोल्ट मीटर वाली इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि हमारे घर में कितना वोल्टेज ज्यादा है उसको हम देख पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल तीन इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, चेंज ओवर स्विच को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दिया हूँ, यानी कि कहाँ पे इंडिकेशन लैंप लगेगा, कहाँ पे सेलेक्टर स्विच लगेगा, पूरा मार्किंग कर दिया हूँ। अब ये जो प्लाई है इसी प्लाई के बैक साइड में मैंने यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया हूँ, जहाँ पे हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई और आउटगोइंग पावर सप्लाई वाली वायर कनेक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको मैं यहाँ पे माउंट कर देता हूँ, और ये जो इंडिकेशन लैंप है इसको भी मैं यहाँ पे माउंट कर देता हूँ। तो ये जो स्विच बोर्ड है इस स्विच बोर्ड का पूरा माउंटिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो ये जो चेंज ओवर स्विच है इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो आपका सेलेक्टर स्विच है इन तीनों सेलेक्टर स्विच को RYB तीनों फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर फेज का जो पावर सप्लाई है इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये जो रेड वायर है इस वायर को ले जाके सबसे पहले पहला नंबर का जो टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो रेड फेस वाली पावर सप्लाई इसको लेके जाना है, और जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच पे आप देखोगे यहाँ पे मार्किंग किया गया है, जैसे कि इस वाले पे देखिए यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे A2, यहाँ पे 1 और इधर साइड में A2 लिखा हुआ है। तो जिस टर्मिनल पे A1 लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे आपको आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो ये जो वायर है इस वायर को लेके जाता हूँ, और इस वाले सिलेक्टर स्विच का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। जिस पॉइंट पे हमने आर फेस का पावर सप्लाई करने के वहीं से एक वायर को लूप करके दूसरे वाले सिलेक्टर स्विच को फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे आर फेस वाली पावर सप्लाई का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करूंगा, इस वायर को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो वायर है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा इसको लेके जाना है, और दूसरे सिलेक्टर स्विच का जो A1 टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे A1 टर्मिनल है तो इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब जिस पॉइंट पे हमने आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया वहीं से एक वायर को लूप करके दूसरे वाले सिलेक्टर स्विच को भी आर फेस का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो आर फेस के पावर सप्लाई को हमने इन तीनों सेलेक्टर स्विच को प्रोवाइड कर दिए। अब ये जो सेकंड टर्मिनल है इस पे हमें येलो वायर को कनेक्ट करना होगा। येलो वायर का इस्तेमाल करेंगे वाई फेस के लिए। तो इस वायर को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो वाई फेस का पावर सप्लाई है इसको ले जाके हमें A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। तो ये जो A2 टर्मिनल है इसके साथ वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद बाकी सेलेक्टर स्विच को भी वाई फेस का पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दूंगा। अब जो हमारा बी फेज का पावर सप्लाई है इसको भी ले जाके तीनों सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्शन करना है। बी फेज का जो पावर सप्लाई है इसको ले जाके A3 वाला जो टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्शन करना होगा। तो इन तीनों सेलेक्टर स्विच को बी फेज का भी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। तो
तो दोस्तों ये जो तीनों सेलेक्टर स्विच है इसको हमने आर वाई बी तीनों फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए है। कनेक्शन करने के टाइम पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई है उस न्यूट्रल पावर सप्लाई को सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो फेज सप्लाई है उसके साथ कनेक्शन कर दीजिए और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसको डायरेक्टली लूपिंग कर दीजिएगा। लूपिंग कैसे करेंगे चलिए समझ लेते हैं। न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वायर को ले जाके डायरेक्टली मुझे इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा, यानी कि जो फोर्थ नंबर का टर्मिनल है इसके साथ मैं इस वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा इसको ले जाके ये जो आखिरी का टर्मिनल है इसके साथ हमें कनेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ से लूपिंग डायरेक्टली इस पॉइंट पे करना होगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको ले जाके इस टर्मिनल ब्लॉक के साथ कनेक्ट करना होगा। यानी कि जब हम इस सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद में जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा इस वाले टर्मिनल पे। तो ये जो सेलेक्टर स्विच है इसके साथ में रेड वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो रेड वायर है इसको लेके जाना है और इसको ले जाके इस सेलेक्टर स्विच का जो एक नंबर का पॉइंट है आप देख सकते हो यहाँ पे वन लिखा हुआ, यानी कि ये वाला टर्मिनल हमारा आउटपुट पावर सप्लाई के लिए होगा। तो इस पॉइंट से हमें एक वायर को लेके जाना है और इसको ले जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होगा। तो जल्दी से मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो सेकंड वाली सेलेक्टर स्विच है इसका पावर सप्लाई ले जाके हमें इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो A1 टर्मिनल है इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो तीसरा सेलेक्टर स्विच है इसके भी पावर सप्लाई को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए एक वायर का इस्तेमाल करूंगा, इस वायर को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे केवल इस इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन करना होगा। तो ये जो सभी इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन मैं इस प्रकार से करूंगा जिससे कि जो आउटपुट पावर सप्लाई जा रहा है उसका वोल्टेज को मेजर कर सकूं। यानी कि जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, जैसे कि मैं इस सेलेक्टर स्विच को इस पोजीशन पे कर दूं तो इसका जो पावर सप्लाई जाएगा उसी का पावर सप्लाई यहां पे शो किया जाए, यानी कि कितना वोल्टेज हमारे घर में जा रहा है उतना वोल्टेज ये वाला इंडिकेशन लैंप शो करना चाहिए। यानी कि इस इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन हमें आउटपुट पावर सप्लाई के साथ करना होगा। तो आउटपुट पावर सप्लाई इन तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया है, तो हम चाहें तो यहीं से वायर को लूपिंग करके इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर सेलेक्टर स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे मैं सेलेक्टर स्विच के आउटपुट टर्मिनल से वायर का लूपिंग करता हूं जिससे कि वायर छोटा सा इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली सेलेक्टर स्विच है इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई इसको ले जाके इंडिकेशन लैंप के साथ कनेक्शन कर देता हूं। अब जो सेकंड वाली सेलेक्टर स्विच है इसके आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके जो इंडिकेशन लैंप है उसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ। इसी प्रकार से जो तीसरा सेलेक्टर स्विच है इसके आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके तीसरे वाले इंडिकेशन लैंप के साथ कनेक्शन करना होगा। अब इन तीनों इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है, यानी कि जो आउटपुट वाला न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसी पॉइंट से एक वायर को लूपिंग करके इन तीनों इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारा जो चेंजेबल स्विच है वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें केवल यहाँ पे इसका टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई वाली टर्मिनल है इस पे मुझे आर वाई बी और न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आउटपुट में मुझे लोड को कनेक्ट करना होगा। तो ये जो टर्मिनल ब्लॉक है इसके इनपुट टर्मिनल पे मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया और ये जो आउटपुट टर्मिनल है इसके साथ मैंने लोड को कनेक्ट कर दिया। चलिए अब हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए इसको मुझे यहाँ पे इस प्रकार से रखना पड़ेगा। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले MCB को ऑन कर देता हूँ। MCB को ऑन करने के बाद भी आप देख सकते हो कोई भी इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ में जो हमारा लोड है वो भी ऑफ कंडीशन में है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पहला सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को एक नंबर पोजिशन पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको यदि मैं इस पोजिशन पर रखूँगा तो आप देख सकते हो ये जो रेड इंडिकेशन लैंप है ये ग्लो हो गया। इसके अलावा ये जो इंडिकेशन लैंप है ये इंडिकेशन लैंप वोल्टेज को शो करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 240 वोल्ट शो किया जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड सेलेक्टर स्विच है इसको भी ऑन कर देता हूँ। इसको भी मैंने वन नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट कर दिया, लैंप ऑन हो गया, इंडिकेशन लैंप वोल्टेज शो कर रहा है। ये वाला जो सेलेक्टर स्विच है इसको मैंने एक नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखा हूँ, तो इस वाले सेलेक्टर स्विच को मैं दो नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट कर देता हूँ जिससे कि ये वाला जो सेलेक्टर स्विच है ये वाई फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल करे। ये वाला जो सेलेक्टर स्विच है ये आर फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला वाई फेज का, और इस वाले को हम कर देते हैं बी फेज पे। तो इसको मैं इस पोजीशन पे सेलेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो तीनों इंडिकेशन लैंप वोल्टेज शो कर रहा है, साथ ही साथ में जो मेरा तीनों इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो भी हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो वाई फेस का MCB है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसको ऑफ करने के बाद आप देखोगे वाई फेस वाला जो लैंप है वो ऑफ हो गया, साथ ही साथ में जिस सेलेक्टर स्विच को हमने वाई फेस के साथ कनेक्ट करके रखे थे वो भी ऑफ कंडीशन में चला गया। बाकी जो दो फेस के पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज यहाँ पे शो किया जा रहा है लेकिन इसका वोल्टेज शो नहीं किया जा रहा है। अब यदि आपका एक फेज का पावर सप्लाई चला जाता है या फिर इसका वोल्टेज कम हो जाता है
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको आपको रोटेट करना है। अभी के टाइम पे वाई फेज का पावर सप्लाई नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इसको बी फेज के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर आर फेज के साथ। अभी के टाइम पे मैं आर फेज के साथ कनेक्ट कर दिया। आर फेज के पावर सप्लाई का सिलेक्शन करते ही आप देख सकते हो लैम्प ग्लो होना स्टार्ट हो गया, साथ ही साथ में यहाँ पे वोल्टेज भी शो किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे आर फेज के पावर सप्लाई को भी बंद कर देता हूँ। अब देख सकते हो आप यहाँ पे दो फेज का पावर सप्लाई चला गया। ये दोनों लैम्प इसलिए ऑफ हो गए क्योंकि हमारा जो आर फेज का पावर सप्लाई था इसी के साथ दोनों लैम्प कनेक्ट थे, यानी कि हमने एक नंबर पोजिशन पे सिलेक्शन करके रखे थे। अब यदि मुझे इन दोनों लैम्प को ग्लो करवा के रखना है तो इस कंडीशन में इस सेलेक्टर स्विच का चेंज ओवर करना पड़ेगा। तो चेंज ओवर कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे चेंज ओवर कर देता हूँ। लैम्प ग्लो नहीं हुआ, लैम्प ग्लो हो गया, यानी कि इस सेलेक्टर स्विच को आप मुझे इस पोजिशन पे रखना पड़ेगा। अब ये वाला जो लैम्प है ये ग्लो नहीं हो रहा, तो इसका भी चेंज ओवर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चेंज ओवर कर देता हूँ। आप देख सकते हो चेंज ओवर करने के बाद में पावर सप्लाई आ गया। तो आप यहाँ पे केवल ये समझिए कि ये जो लैंप है ये सभी के सभी आपके घर के लोड हैं। जैसे कि ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड फ्लोर और ये वाला हो गया थर्ड फ्लोर। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या करना होगा, जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसको आप आर फेज के पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन कर दीजिए। सेकेंड फ्लोर जो है उसको जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा वाई फेज के द्वारा। इसके बाद जो आपके घर का थर्ड फ्लोर है उसको पावर सप्लाई जाएगा बी फेज के द्वारा। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपका सेलेक्टर स्विच है इसको आपको एक दो और तीन नंबर पोजिशन पर सेलेक्ट करके रखना है। तो किस प्रकार से ये चेंज ओवर स्विच वर्क करेगा इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।